अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एना वहाब ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है व्लॉग संडे का, संडे मॉर्निंग का व्लॉग है। मॉर्निंग तो ऐसे नहीं थी, यानी 12 के बाद का टाइम था, 1 बजे का। और आज जो है काफ़ी दिन के बाद अभी साथ में थे नाश्ते पे, वरना अक्सर ये होता है कि रात लेट आते हैं तो संडे में सो ही रहे होते हैं। तो बस आज हमने सोचा कि कुछ अच्छा सा नाश्ता किया जाए, वरना ब्रेड और घर के ही नाश्ते होते हैं। तो हलवा पूरी मंगा ली थी। तो कभी कभी ऐसा हैवी नाश्ता करने का दिल चाहता ही है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं किया जा सकता। तो नाश्ते के बाद जो है मैं यहाँ पर मॉर्निंग के जितने भी बर्तन हैं वो वॉश करने के लिए आ गई थी, क्योंकि काम जितनी जल्दी निपट जाए है उतना ही अच्छा होता है। और वहाँ उमेज़ा से मैं कोई बात कर रही थी, क्योंकि वो मुस्तकिल जो है वो चीज़ों में घुसती रहती है। और अब्दुल्ला और अब्दुल हादी जो हैं इस टाइम पे अपने बाबा के साथ चले गए थे बाहर, उनके दोस्त का फार्म था तो वो बच्चों को वहीं लेके गए थे। तो फार्म में मतलब ये कि जैसे आजकल जानवर वगैरह हैं आए हुए हैं, तो वो जानवर वगैरह थे और बड़ा फार्म था, मुर्गियां और बकरियां और न जाने क्या क्या। तो बस वो फारिग थे और बहुत दिनों से जो है वो मसरूफ़ भी थे, तो बच्चों को वो वहाँ ले गए। तो बस हम लोग काम निपटाते हैं फिर जल्दी से। पानी पी चुकी हूँ काम के दौरान, खैर पानी पीना तो अच्छा होता है। तो सारा डस्टिंग वस्टिंग और जितना भी काम था दोपहर का मैंने निपटा लिया है। बच्चे तो गए हुए हैं, आपको बता दिया मैंने, बच्चे अपने बाबा के साथ चले गए, तो बस उमेज़ा और मैं हूँ घर में अकेली। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी बातचीत भी कर लें, जब से जो है वो ऐसे ही चल रहा है। तो पानी पीती हूँ मैं, आ जाइए। अच्छा यहाँ पर जो है ना मेरा फेस वॉश ना ख़त्म हो गया ना, तो अब सोप से तो मैं मुँह धोती ही नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सोप से मुँह धोना, क्योंकि बदल जाते हैं बार बार सोप, कभी किस किस्म का आ रहा है कभी किसी किस्म का आ रहा है। तो मैंने कहा कि चलें अभी जब मेरा फेस वॉश या कुछ ख़त्म हो जाता है या कोई रेमेडी यूज़ करनी हो ना, तो फिर मैं ये बेसन का यूज़ करती हूँ। ये देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, मतलब इसमें मैंने डाला हुआ है बेसन 1 टेबल, अपने फेस के हिसाब से ले लेना। तो 1 टीस्पून है, वैसे मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसमें थी मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी थी इसमें, पीस के मतलब पीसी भी जो होती है वो वाली मुल्तानी मिट्टी थी। तो ये ख़त्म हो गई है, बाहर जाना ही नहीं हो रहा है, तो मैं लेकर आऊँ दोबारा से। और फेस वॉश भी मुझे अभी ख़रीदना है, तो इसमें बस ज़रा सी बची है तो वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी। ये भी तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब होगी ना, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, ये है उम्मीद तो नहीं करो बेटा गिर जाएगा। ये जो है ना वो कीनू के छिलके हम लोग पीसते हैं ना, ये मुझे तंग कर रही है बहुत ज़्यादा। जाइए, उमेज़ा के साथ काम करना ना बड़ा मुश्किल होता है, और वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा। वो स्पून लेके चली गई, उसको स्पून चाहिए था। तो ये है पील ऑफ कह रही हूँ, जो कीनू के छिलके होते हैं ना उसको मैंने जब सीज़न आया था तो ड्राई करके ना उसको पीस लिया था। ये देखें तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए ना, और मैं तो मेरी ऑयली स्किन भी, वैसे तो सारी स्किन के लिए अच्छा होता है, बेसन भी सारी स्किन के लिए अच्छा है। जितना भी आप यूज़ करें उससे फेस धोया करें, बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। और मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, जितना ऑयल निकलता है वो एब्जॉर्ब करती है। और ये देखें इस तरह बिल्कुल बारीक मैंने पीसा था इसको छान के, और
बिल्कुल बारीक पाउडर निकाल लिया था, तो अब मैं हाथ से ही डालती हूँ क्योंकि वो तो ले गई हैं मधरमा। तो ये मैं इसमें 1-2 स्पून तकरीबन, ये भी इतना ही मैं दूंगी ना। इससे मतलब ये पैक आप बनाएंगे, फेस पैक आप ज़्यादा बनाएंगे ना तो बड़ी अच्छी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, और जो ये होते हैं ना कीनू के छिलके जो होते हैं, ये इससे मैं उसका पेस्ट बनाऊँगी अरके गुलाब से ना। तो ऐसे ही डालती हूँ, हाथ से कर रही हूँ। स्पून ले गई हैं आंटी हमारी तो मैदा जो है ना वो काम नहीं करने देती है, बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। इसलिए मैं जो हूँ ना, जो ब्लॉग होते हैं ना वो थोड़ा मैं मुश्किल से ही बनाती हूँ, इसलिए रोज़ नहीं बना पाती। अच्छा नहीं है इसको जो है ना पूरे फेस पे आप अच्छे से लगा लें, और उसके बाद 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। पूरा आपने इसको ड्राई नहीं करना है, और 20 मिनट के बाद जो है आप थोड़ा सा अरके गुलाब का स्प्रे करें अपने फेस पे, और हल्का सा मलने के बाद उसको फेस पे मलें और उसको ठंडे पानी से वॉश कर दें, और इतनी अच्छी स्किन आप पाएंगे ना। और रंग जो है ना इससे साफ होने लगता है, क्योंकि इसमें नींबू के छिलके का पाउडर है ना, वो आपकी स्किन को जो है वो आपके वाइट टोन की तरफ लेके जाता है। तो आप भी ज़रूर करें। मैं ज़रा अच्छे से लगा लूँ क्योंकि यहाँ पे झड़ रहा है। मैं ज़रा इधर देखो, मैं ज़रा देखिए इधर देखिए, इधर तो देखिए क्या हुआ है मुँह में, क्या हुआ, डर रही हैं आप? अच्छा इधर तो आई है क्या हुआ? हेलो हेलो करती नहीं आप, बाल आ रहे हैं सारे। इधर तो देखो, इधर तो देख लो, मम्मा को तो देख लो। ये देखिए फेस ना कितना क्लीन हो गया है, सॉफ्ट भी हो जाता है बहुत ज़्यादा ना। तो बेसन से और बड़ा फ़ायदा होता है, बेसन से तो वैसे भी आप खाली बेसन ही लेके अपने मतलब फेस उससे वॉश करें ना, तो उससे भी जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है स्किन। तो अभी मैंने कहा चलें थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, तैयार तो फिर क्या होना है, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, एक अजीब फुलका फीकी सी शक्ल लग रही है मेरी। और रात का अभी डिनर का कुछ भी नहीं सोचा है, देखें अभी क्या छुट्टी है वो आ जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या बनता है। और सुबह का नाश्ता तो इतना हैवी था, सुबह भी नहीं थी, मतलब वो 12 के बाद हमने किया है, 1:30 बजे तक किया है, तो ब्रंच टाइप का ही हो गया था वो। तो अब इतना हैवी है मुझे अभी तक भूख नहीं लग रही, अभी इसका टाइम हो रहा है तकरीबन 5 जो है वो 5:15 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा है, तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हलवा पूरी खा लो तो काफ़ी हैवी हो जाता है ना। तो ये वाली लिपस्टिक लगा दो, वही खाएंगे। और गर्मी है, बाल तो खोल नहीं सकते और घर में खोल के क्या करना बालों को, तो बाल बस मैं इसको अपना समर हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, ये वाला ये वाला हेयर स्टाइल, ये वाला हेयर स्टाइल बन जाएगा। बस थोड़ी सी लटी निकाल लेते हैं चले ठीक है आती हूँ। देखो ये बिल्ली कितनी गंदी है, ये बिल्ली यहाँ लेटी हुई है, ये बिल्ली यहाँ लेटी हुई है चले जी यहाँ भी रात का टाइम हो गया है, और बच्चे जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, 8 बजे करीब आए हैं लोग वहाँ से ना फार्म हाउस से, तो जाहिर सी बात है कराची से थोड़ा हट के बाहर की तरफ भी था तो काफ़ी देर लग गई इन लोगों को वहाँ से आने में। और जो है तो डिनर का तो बस अब यही प्लान बना है कि आज रात में बाहर से खाना है यही था कि चलें पिज़्ज़ा, बच्चों को खाना ही होता है तो पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बस
घर से निकलेंगे और ये सो गई थी पूरे दोपहर से, उन्होंने मुझे तंग किया और बिल्कुल आखिरी टाइम पे आती ये सो गई हैं और अभी इनको उठाया है मैंने ना, तो बस अब निकलेंगे घर से तो फिर मिलते हैं आपसे। तो रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उमैज़ा की हरकतें, उमैज़ा की शरारतें, क्योंकि उनको मेज़ के ऊपर भी चढ़ना है, पीछे वाली फैमिली को भी तंग करना है, तो सारे कारनामे उन्होंने आज ही ये सर अंजाम देने थे। और डांटने पे वो रो रही थी और अपने भाई को नखरे दिखा रही थी। तो जब छोटा पीस होता है ना, वो इसी तरह से जो है वो तंग करता है। तो यहाँ पर ऑर्डर हमने दे दिया था, तो बच्चों का ऑर्डर आ गया था यहाँ पर, उनके लिए हमने पैन पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे और हमने अपना जो ऑर्डर दिया था वो अभी हम तक नहीं पहुँचा था, तो बस वो आता है। तो ये देखें, ये हमने ट्विस्टर मंगाया था, ये वहाँ का स्पेशल था और ये ज़रा स्पाइसी होता है, तो इसलिए बच्चों के लिए हमने ये नहीं मंगवाया था, उनका उनकी पसंद का फ्लेवर के साथ पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और ये बड़ा मज़ेदार होता है, इसके फोल्डिंग के अंदर जो है मशरूम, चिकन और बड़ा स्पाइसी इसका मसाला होता है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे और बस इसी तरह रहा हमारा संडे का दिन। तो बस वीडियो को अब जो है वो एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो ये था हमारा आज का संडे का व्लॉग और बस बहुत दिनों के बाद जो है फैमिली टाइम स्पेंड किया है। और वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।